दोस्तों फ्यूज़ ब्रेक इंडिकेटर कैसे बनाया जाता है, ये देख सकते हैं, ये इंडिकेटर है और यहाँ पे आपके घर का लोड है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्यूज़ की जगह एमसीबी का उपयोग किया गया है ताकि आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके घर का लोड, यहाँ पे एक फेज कनेक्शन करना है और जो न्यूट्रल कनेक्शन है वो दूसरे एमसीबी के अंदर कनेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं घर का कनेक्शन तो कम्प्लीट हो चुका है। अब ये इंडिकेटर का कनेक्शन कैसे करते हैं, ये आपको फेज वाले एरिया में, यानी कि आप देख सकते हैं एमसीबी के नीचे वाले एरिया में और ये दूसरा वायर जो है एमसीबी के ऊपर वाले एरिया में कनेक्ट करना है, जैसे कि फ्यूज के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको मीटर की सप्लाई एड करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेज की तरफ, यहाँ होल्डर का जो कनेक्टर है वो फेज की तरफ है और यहाँ पर आपको न्यूट्रल कनेक्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। तो लाइनिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, ये आपके घर का लोड है, हमने लगा दिया 0.5 वोल्ट का यहाँ पे इंडिकेटर लगाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी प्रॉपर लोड चल रहा है, जैसे ही आपके लोड में खराबी आती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये एमसीबी गिर जाती है और आप देख सकते हैं इंडिकेटर ऑन हो चुका है। मुझे बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि रिवर्स करंट आ सकता है, यहाँ पर बिल्कुल भी रिवर्स करंट नहीं आएगा जब तक कि आगे लोड ज्यादा है। एमसीबी ऑन होती है तो कुछ इस तरीके की सप्लाई जाती है और जब एमसीबी ऑफ होती है तो यहाँ बल्ब से होते हुए लाइन जाती है।